गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ऑनलाइन ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स. इन आवर प्रीवियस क्लास वी रीड चैप्टर 13. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. नोटबुक निकालिए ईवीएस की और उसमें लिखिए चैप्टर 13. लिखिए चैप्टर 13. SAFETY, safety, RULES, safety rules. थर्ड लाइन में लिखिए वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग ठीक है. फर्स्ट वर्ड क्या है? SAFE, सेफ, सुरक्षित, सेफ सुरक्षित. सेकेंड है RULES, रूल्स. रूल्स क्या होते हैं? नियम. रूल्स नियम. थर्ड है, लिखिए जल्दी से, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण. इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण. फोर है SHARP, शार्प. OBJECTS, शार्प ऑब्जेक्ट्स. शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं नुकीली वस्तुएं. शार्प ऑब्जेक्ट्स नुकीली वस्तुएं. फाइव है STAIRS, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ. स्टेयर्स सीढ़ियाँ, ढक्कन है ये, ठीक है. स्टेयर्स सीढ़ियाँ. इसके बाद है TOUCH, टच. टच छूना. टच छूना. WIRES, वायर्स. वायर्स तारें. वायर्स तारें. एट है ELECTRIC, इलेक्ट्रिक. SHOCK, इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक होता है बिजली का झटका. इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका. नाइन पे है QUEUE, क्यू कतार लाइन. क्यों क्या होती है? कतार लाइन बोलते हैं ना जिसको आप, वो ठीक है. नेक्स्ट है AVOID, अवॉइड. अवॉइड होता है बचना. अवॉइड बचना. और ACCIDENT, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होता है दुर्घटना. एक्सीडेंट दुर्घटना. ठीक है, आगे समझ में. ये दुर्घटना है बेटा. सेफ सुरक्षित. रूल्स नियम. इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण. शार्प ऑब्जेक्ट्स नुकीली वस्तुएं. स्टेयर्स सीढ़ियां. टच छूना. वायर्स तारें. इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका. क्यू कतार. अवॉइड बचना. और एक्सीडेंट्स दुर्घटना. अब सभी बच्चे ईवीएस की बुक ओपन करेंगे. ईवीएस की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 60. ईवीएस की बुक का पेज नंबर 60 ओपन कीजिए. जल्दी से निकालिए. नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और अभी क्वेश्चन आंसर कहाँ करेंगे आप. ईवीएस की बुक का पेज नंबर 60. देखिए पेज नंबर 60. What is the need to follow safety rules? Safety rules को follow करने की ज़रूरत क्या है? We should need to follow the, लिखिए we, SHOULD should, NEED need to, FOLLOW follow, THE the, SAFETY safety, RULES rules to, AVOID avoid, ACCIDENTS accidents. वी शुड नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की, उनको मानने की ज़रूरत एक्सीडेंट से बचने के लिए होती है.
अगर हम इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। ओके, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। सेकंड देखिए, राइट, सेफ्टी रूल्स ऑफ रोड एंड एट होम, घर पर और सड़क पर सुरक्षा के कौन से नियम है? लिखिए, वॉक ऑन द फुटपाथ, ये तो रोड सेफ्टी है। क्या है वॉक ऑन द फुटपाथ? डब्ल्यू एल के वॉक, ओ एन ओन टी एच ई द एफ डबल ओ टी पी ए टी एच पाथ, वॉक ऑन द फुटपाथ। सेकंड है सी आर ओ डबल एस क्रॉस, सेकंड में लिखी बेटा वॉक ऑन द, पहले तो लिखिए वॉक ऑन द फुटपाथ, वॉक ऑन द फुटपाथ। और सेकंड रूल क्या लिखेंगे, ये इसने सेकंड में आप क्या लिखेंगे, होम सुरक्षा के नियम। होम सुरक्षा में क्या लिखेंगे, वी एस एच ओ यू एल डी, वी शुड नॉट पी एल ए वाई प्ले विद फायर, वी शुड नॉट प्ले विद फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए घर पर। ठीक है, रोड सेफ्टी में क्या लिखेंगे, वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। और होम सेफ्टी क्या है, वी शुड नॉट प्ले विद फायर, वी शुड नॉट प्ले विद फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। ये होम सेफ्टी में बताया था ना आपको भी चैप्टर में, हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपने बुक में फिल किए हैं, अब इनको कहाँ करना है, वर्ड मीनिंग किए हैं आपने नोटबुक में, तो नोटबुक के नीचे इन क्वेश्चन आंसर्स को करना है। ओके, ये एच वर्क है आपका, यहाँ पे आपने सी वर्क किया था आज, बुक में सी वर्क है, और इसको कहाँ करना है, डू इन नोटबुक, इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, स्टे होम स्टे हेल्दी।